घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव परिवार पर बनी रहे, पारिवारिक लोगों में आपस में हमेशा प्यार और सामंजस्य बना रहे, इसके लिए घर में मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। और कम से कम पूरी दुनिया को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दर्शकों को तो अपने घर में मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट में ही लगाना चाहिए। ये बात एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि मनी प्लांट जब भी लगाइए तो दक्षिण पूर्व के कोने में, जिसको अंग्रेजी में साउथ ईस्ट दिशा कहते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण की दिशा जिसको कहते हैं, वहीं पे आप मनी प्लांट जरूर लगाइए। दक्षिण पूर्व दिशा के देवता भगवान गणेश हैं और इस दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र है। गणेश जी अमंगल का नाश करते हैं, क्योंकि गणेश जी के ही बारे में कहा जाता है कि गणानांत्वा गणपति गुंगवा महे, गणानांत्वा गणपति, गणपति कौन है? गणेश हैं। प्रियानांत्वा प्रियपत, प्रियों के पति कौन है? गणेश। निधिनांत्वा निधियों के पति कौन है? गणेश। तो गणेश की दिशा होने के कारण वहां पर जो मनी प्लांट लगाया जाएगा वो सुख समृद्धि का कारक होगा। वैसे भी शुक्र ग्रह की दिशा होने के कारण शुक्र विलासिता का और राजसी वैभव का, धन धान्य का कारक ग्रह है, इसलिए ये दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। बेल का कारक भी शुक्र ग्रह ही होता है। जो पौधे ऊपर की तरफ उठते हुए चले जाते हैं कोई सहारा लेकर के, वो बेल प्रजाति के पौधे होते हैं। बेल का मतलब वो वाला बेल नहीं जो भगवान शिव को जिसकी पत्ती चढ़ती है, बेल जिस तरह से आकाश बेल होती है, जिस तरह से गिलोय की बेल होती है जिसको अमृता कहते हैं, सुधा बल्ली कहते हैं, उसी तरह से ये एक प्रकार की बेल प्रजाति का पौधा है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाने से सुनिश्चित रूप से धन लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो निश्चित रूप से यह मनी प्लांट आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ड्राइंग रूम में मनी प्लांट रखने से घर में आने वाले सभी लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। जिन लोगों को ज्यादा तनाव या डिप्रेशन रहता हो, उनको मनी प्लांट के पत्तों को ध्यान से देखना चाहिए। शुक्र पति पत्नी के बीच प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि अपने सारे कार्यक्रम में मैं इस बात की चर्चा बहुत बार कर चुका हूँ कि वैवाहिक जीवन का अगर कोई कारक ग्रह है तो नौ ग्रहों में शुक्र ही वह ग्रह है जो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह के अस्त होने पर वैवाहिक जीवन का मजा किरकिरा हो जाता है, इसीलिए शुक्र ग्रह मनी प्लांट, शुक्र ग्रह से प्रभावित होने के कारण मनी प्लांट को घर में लगाने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जैसे जैसे घर में मनी प्लांट बढ़ेगा, वैसे वैसे उस घर में रहने वालों को आर्थिक लाभ और सुख शांति मिलेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनी प्लांट अगर गमले में लगाए हो तो उसे एक डंडी के सहारे ऊपर लेकर के जाओ, और जरूरत पड़े तो हल्के धागे से बीच बीच में उसे डंडी के सहारे बांध दो। मनी प्लांट का जमीन पर चलना बहुत अशुभ माना जाता है। देखिए, मनी प्लांट को घर में अलमारी या दुकान में तिजोरी के पास रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अगर खिड़की हो तो वहां रहने वालों को हमेशा पैसों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका मेन एंट्रेंस गेट है, अब इसके दाहिने भी बाएं भी दो खिड़कियां हैं आपके घर में, जो अज्ञानतावश आपने बनवाई है या आपको वास्तु का ज्ञान नहीं था लेकिन आपने बनवाई है, तो ये दोनों खिड़कियां आर्थिक परेशानी को बढ़ाती हैं। ये बात आपको समझ लेना चाहिए।
ऐसे में आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए दोनों खिड़कियों के बाहर से मनी प्लांट लगाइए और वो खिड़कियों को ढंकती हुई ऊपर की तरफ जाएं, इस बात का भी ध्यान रखिए। गार्डन में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक परेशानी निश्चित रूप से दूर होती है। अगर आपका कोई गार्डन है, वहां मनी प्लांट आप लगा रहे हैं और मनी प्लांट की देखभाल कर रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो आप मानिए कि आपके जीवन में धन वैभव की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। मनी प्लांट के लिए जैसे सबसे शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की, साउथ ईस्ट की सबसे परफेक्ट दिशा है, तो सबसे गलत दिशा है नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्व की। ईशान कोण में मनी प्लांट कराने से धन लाभ की जगह धन का नाश होने लगता है। ईशान कोण का प्रतिनिधि ग्रह जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, और शुक्र और बृहस्पति में ऐसे अर्थात इतनी बड़ी शत्रुता का संबंध है कि एक देवताओं का गुरु है, एक दैत्यों का गुरु है। नैसर्गिक रूप से ये लोग आपस में बड़े शत्रु हैं। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और शुक्र ग्रह जो है ये राक्षसों के गुरु हैं। तो बृहस्पति की दिशा में अगर शुक्र का पौधा आप लगाएंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि परिणाम क्या होगा, धन हानि होगी। उत्तर पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाने से धन हानि के साथ साथ रिश्तों में भी कटुता आएगी, तनाव आएगा। इसलिए ईशान कोण में तुलसी ही शोभा देती है। ईशान कोण में सिर्फ तुलसी और केले के पेड़ लगाना चाहिए, कभी भूल करके मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर के उत्तर पूर्व के कोने में मनी प्लांट लगा हुआ है तो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसी बीच उठिए और मनी प्लांट को, उसके डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करिए, उसे दक्षिण पूर्व दिशा में ले जा करके रख दीजिए, इसमें विलंब मत कीजिए। उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना वरदान रहता है। जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और महिलाएं तुलसी के पौधे की पूजा करके घी का दिया जलाती हैं, निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं राजलक्ष्मी की तरह सब प्रकार के सुखों से युक्त रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। मनी प्लांट अगर जमीन में लगाया है आपने और इसकी बेल जमीन पर फैल जाए तो ये वास्तु दोष को बढ़ाता है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मनी प्लांट को कभी भी काट कर फेंकना नहीं चाहिए और मनी प्लांट को घर के एक कोने में लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा परिवार का बचाव होता है। मनी प्लांट के पत्तों में कभी भी धूल ना जमने दें, इस बात की भी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए हजारा जिसमें पानी भर करके और पेड़ों पर गिराया जाता है, ऐसे यंत्र को हजारा कहते हैं। जैसे आपका सावर होता है नहाने वाला, उसी तरह से हजारे के मुंह पर ढेर छेद वाला एक निकास पानी का बना होता है, उससे अगर आप मनी प्लांट पर पानी डालेंगे तो मनी प्लांट के पत्तों पर जमा धूल और मिट्टी अपने आप खत्म हो जाएगी, वरना इससे सकारात्मक प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। मनी प्लांट के सूखे हुए पत्तों को फौरन अपने हाथ से तोड़कर हटा देना चाहिए, वरना उसका निगेटिव इम्प्रेशन पूरे परिवार के लोगों के ऊपर पड़ेगा। कि अगर आप अपने आंगन में एक से ज़्यादा पौधा लगाना चाहते हैं तो आप मनी प्लांट के साथ में तुलसी का पौधा जरूर लगा सकते हैं, या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगा करके उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगा सकते हैं। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, घर में रहने वाला कोई व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। देखिए, कोई मनोकामना आपकी अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो अपने पूजा स्थान पर एक स्वास्तिक बना करके पंचधान्य को पीस करके उसका दीपक बना करके जलाने से कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं इनकम बढ़ाने का आपके लिए वास्तु टिप क्या होगा। जी पंडित जी बताइए। देखिए, माँ महालक्ष्मी की तस्वीर रख करके पूजा करने से धन लाभ होता है, लेकिन लक्ष्मी जी की एक ऐसी भी तस्वीर है जिसमें वो अपने वाहन उलूक अर्थात उल्लू पर सवार हैं।
उस तस्वीर को स्थापित करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उल्लू अंधेरे में रहने वाला अज्ञानी जीव है। उल्लू पर सवार माँ लक्ष्मी चंचला मानी गई है और चंचल लक्ष्मी कभी भी टिकती नहीं है, इसलिए ऐसी तस्वीर की स्थापना करके पूजा करने से बचत नहीं होती है बल्कि खर्च बढ़ता है। आपको हर समय कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा अपने घर में करनी चाहिए। अरे पंडित जी, दो तरह के मनी प्लांट होते हैं, एक चौड़े पत्ते वाले और एक छोटे पत्ते वाले, तो कौन से ज्यादा लाभकारी होते हैं? ज्यादा छोटे पत्ते वाले लाभकारी होते हैं। छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट जो होते हैं बहुत लाभकारी होते हैं और इनका अपना दैवीय गुण है।